This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. अब मैं आपको बता देता हूं, आप इस फ्री आरटीपी सर्वर को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक आप चाहें इसको इजीली यूज कर सकते हो। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 500 जीबी का आपको यहां पर स्टोरेज देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप इस आरटीपी में जो भी कुछ सेव करना चाहो उसके लिए आपके पास इनफ स्टोरेज है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो हमें जो कंट्री मिली है इस लिनक्स आरडीपी की, वो है यूएस की, और जो रीजन है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, टेक्सास है, और जो सिटी है वो डैलस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स बेस्ड फ्री आरडीपी बनाने वाले हैं, और ये वीडियो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों से सजेशन मांगी थी, क्या आप लोगों को लिनक्स बेस्ड फ्री आरडीपी चाहिए। तो काफी सारे भाई लोगों ने वोट किया था कि भाई ये वाली आरडीपी हमें क्रिएट करना सिखाएं। तो भाई हाजिर हो चुका है एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट तरीका बताने वाला हूँ हाउ टू गेट फ्री लिनक्स बेस्ड फ्री आरडीपी। इस फ्री आरडीपी सर्वर को बनाने के लिए ना तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी डेबिट कार्ड की, और ये वाला सर्वर आप लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर पाओगे। इसमें आपको फुल एडमिन एक्सेस मिल जाती है, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लो या फिर आप किसी और कंप्यूटर में भी इस आरडीपी को लॉगिन कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पसंद का कंटेंट इस चैनल पर अपलोड हो तो आप जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों से सजेशन लेता हूं कि इस चैनल पर कौन सा कंटेंट अपलोड होना चाहिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो लिनक्स बेस्ड फ्री आरडीपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपना कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करके आपने गूगल में जाना और वहां जाकर आपने सर्च करना है फ्री आरडीपी होस्टिंग, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको ये मिल चुका है, आपने सिंपल इसको सर्च करना है और ये आपको सेकंड वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, फ्री आरडीपी होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब कुछ दिन पहले भी मैंने इसी वेबसाइट की एक आपको फ्री आरडीपी क्रिएट करना सिखाई थी, एक सर्वर क्रिएट करना सिखाया था, लेकिन आज वो वाला सर्वर हम क्रिएट नहीं करेंगे, आज हम दूसरा सर्वर क्रिएट करेंगे जो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है और मेरा अकाउंट एक्टिव भी हो चुका है इस पर, यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक डेमो अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा ताकि जो न्यू ऑडियंस है उनको भी हर चीज के बारे में नॉलेज हो। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह का बड़ा सिंपल सा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा वेबसाइट का। आपने गेट फ्री आरडीपी सर्वर नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ को। यहाँ पर आपको दो सर्वर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एक है सोलो सर्वर और एक है एक एक्सपर्ट सर्वर। अब जो एक्सपर्ट सर्वर है, लास्ट वीडियो मैंने इस पर बनाई थी, जो एक्सपर्ट सर्वर है इसमें आपको विंडोज बेस्ड आरडीपी मिल जाती है जो कि आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे सिंपल चैनल को ओपन करें और ये वाली वीडियो जाकर आप देख लें, इसमें मैंने आपको ये वाला सर्वर क्रिएट करना सिखाया था। आज हम बनाने वाले हैं सोलो सर्वर जो कि लिनक्स बेस्ड सर्वर है, आज हम ये वाला क्रिएट करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नजर भी आ रहा है कि ये वाला सर्वर एब्सोल्युटली फ्री है, और यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है और सिंपल आपने साइन अप नाउ पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना होस्टिंग नेम ऐड कर देना, यानी कि जो आपका अकाउंट का नेम होगा वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, मैं कौन सा बना रहा हूँ, आपने अपना रियल डिटेल वगैरह ही ऐड कर देनी है, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और ये आपको न्यू फेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपके सामने ये तीन बॉक्सेस होंगे, आपने इन तीनों को चेक कर देना है वन बाय वन करके और सिंपल आपने चेकआउट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आपका साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रियल जीमेल का अकाउंट देना है, क्योंकि आपकी जो आरडीपी की लॉगिन डिटेल है वो आपके जीमेल अकाउंट पर आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं टेम्परेरी ईमेल ऐड कर देता हूँ फिलहाल आपको सिखाने के लिए। उसके बाद आपने जिस भी कंट्री से हो आप वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर 10 डिजिट का यहाँ पर आपने नंबर ऐड कर देना, कुछ भी लिख दे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना कंपनी नेम ऐड कर दें, ये ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपने स्ट्रीट नेम देना है, अपना कुछ भी एड्रेस दे दें यार, गूगल से निकाल लें, हो आप जिस भी कंट्री से होना वहीं का होना चाहिए वो एड्रेस, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आरडीपी बना रहे हो, एड्रेस आप बेशक यूएस का दे रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, आप जिस कंट्री से भी हैं वहीं का आपने एक लीगल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बना रहा हूँ। आप अगर इंडिया से हो तो आपने इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, किसी भी कंट्री से हो आपने वो वाली कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने एड्रेस ऐड कर देना है, कुछ भी आप गूगल से निकाल लें कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी सिटी ऐड कर देनी है, जिस भी सिटी से आप हो, सिटी वगैरह आप सही वाली ऐड कर देना
देना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये वाली चीजें आपने लाजमी से ऐड करनी है, क्योंकि जब आपकी यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी या आप जब फॉर्म सबमिट करोगे तो वो आपकी चेक करते हैं, उसके बाद ही आपके अकाउंट को एक्टिव करते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टेट लिखना है अपनी कंट्री का, किस स्टेट से आप। तो मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ पर मैं पंजाब लिख देता हूँ, आपने अपना स्टेट लिख देना। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड, जिस भी आप स्टेट से हैं, जिस भी सिटी से हैं, आप गूगल में जाके उसका नाम लिख के आगे पोस्टल कोड लिखोगे, आपको आपकी सिटी का पोस्टल कोड देखने को मिल जाएगा। पंजाब का ज्यादातर यही होता है 4100, ठीक है 40100। जैसे आप यहाँ पर ये सब कुछ ऐड कर लो, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर गूगल सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। मैं तो यहाँ पर रैंडमली कुछ भी यहाँ से कॉपी कर लूंगा। आपने वही वाला पासवर्ड ऐड करना है जो आप बाद में याद भी रख सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सब डिटेल हमारी फिल हो चुकी है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को यहाँ से सिंपल आपने वेरीफाई कर लेना है और आपने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने देखें अभी शो हो जाएगा कि आपके ईमेल के ऊपर वेरीफाई ईमेल सेंड कर दिया गया है, प्लीज उसको जाकर वेरीफाई करें। यहाँ पर आपके सामने देखें ऑर्डर कंफर्मेशन आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, यू विल रिसीव कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस वाले ब्राउजर को बंद कर देता हूँ, आपको मैं बाकी का प्रोसेस समझाता हूँ अपने रियल अकाउंट पर जाकर। अब जैसे आप अपना अकाउंट बनाओगे तो साथ ही आपके जीमेल पर तीन ईमेल आएंगे, ये फर्स्ट वाले तीन ईमेल आएंगे। आपने ये फर्स्ट वाले को ओपन करना है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप आ जाओगे फ्री आरडीपी होस्टिंग के डैशबोर्ड पर, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है, फिर आपके सामने ये वाली कुछ भी डिटेल शो नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई है, 24 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 24 घंटे जैसे गुजर जाएंगे, फिर 24 से 48 घंटे के बाद आपको एक और ईमेल रिसीव होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक जाऊंगा, आपको ये वाला ईमेल रिसीव होगा, योर आरडीपी सर्वर इज रेडी टू लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपकी आरडीपी का आईपी एड्रेस, आपका यूजर नेम और पासवर्ड के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक हेट यू व्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है, ये आपको ले आएगा आरडीपी होस्टिंग के डैशबोर्ड पर। अब मेरा जो अभी हमने क्रिएट किया था वो सोलो सर्वर था, तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है, ये मेरी कंप्लीट डिटेल है। यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस भी मिल रहा है, यूजर नेम मेरा ईमेल पर है ये वाला, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है, और पासवर्ड जो होगा वो मेरा ये वाला होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है दिस इज द पासवर्ड वैलिड फॉर टुडे, इसका मतलब ये है कि हर 24 घंटे के बाद आपका ये जो पासवर्ड है वो चेंज होगा। पासवर्ड को लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना ही पड़ेगा। तो अब हम इस आरडीपी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ से अपना आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, सेम वैसे ही लॉगिन करेंगे जैसे हम एक विंडो आरडीपी को लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से मैंने आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया है, सिंपल जाकर मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च करूंगा और यहाँ पर आकर अपना जो आईपी एड्रेस है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अगेन यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने यस पर क्लिक करना है, ये आपको एक विंडो के अंदर ले जाएगा, वहां पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड हमें कस्टमली ऐड करना होता है, यानी कि हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें टाइप करके ही यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ जहाँ पर हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है। अब यूजर नेम के लिए हम जाएंगे अपनी ईमेल में, यहाँ पर हमें ये हमारा यूजर नेम देखने को मिल रहा है जिसको हम अपनी कीबोर्ड की मदद से टाइप करेंगे। और राइट, यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम लिख लिया है। अब पासवर्ड के लिए हम वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये रहा मेरा पासवर्ड, इसको मैं टाइप कर लेता हूँ। और राइट, यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और सिंपल हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब विद इन फ्यू सेकंड आपको वेट करना है, अभी आपके सामने जो आपकी आरडीपी सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कुछ ही सेकंड के बाद आपको जो आपका आरडीपी सर्वर है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको क्रोम भी मिल जाता है, ब्रेव ब्राउजर मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है वो भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग इस आरडीपी की स्टोरेज देखना चाहते हो तो यहाँ पर आकर आपने फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप आकर इजीली देख सकते हो कि आपको इसके अंदर कितनी स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 500 GB का आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप इस आरडीपी में जो भी कुछ सेव करना चाहो उसके लिए आपके पास इनफ स्टोरेज है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप इसमें इंटरनेट कैसे
कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपने सबसे पहले तो कॉर्नर में आना है, यहाँ कर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखे इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपल अपने माउस को इंटरनेट पर लेकर आना है तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी ब्राउजर होंगे वो आपके सामने शो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं क्रोम ब्राउजर यूज करना चाहता हूँ। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप यूज करना चाहो वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल सर्च कर लूंगा माई आईपी एड्रेस लोकेशन, यहाँ पर आपके सामने शो भी हो रहा है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसको हम अपने न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सिंपल वेबसाइट में जाकर देख लेते हैं कि हमें इस आरडीपी में कौन सी लोकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमें जो कंट्री मिली है इस लिनक्स आरडीपी की वो है यूएस की, और जो रीजन है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है टेक्सास है, और जो सिटी है वो डेलस है। मतलब कि यूएसए का हमें सर्वर देखने को मिला इस लिनक्स आरडीपी में। और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम सिंपल गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं स्पीड टेस्ट, यहाँ पर हमें मिल चुका है। सिंपल हम इसको सर्च कर लेते हैं और यहाँ से हम fast.com वाली वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इस फ्री आरडीपी सर्वर में कितनी इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 450 MB का हमें इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रहा है। तकरीबन ये 500 MB के अंदर ही कंसीडर होगा। ये अप एंड डाउन होता रहता है। अभी पहले मैंने जब चेक किया था तो तकरीबन 1 GB के करीब था, अब तकरीबन ये 350 MB दिखा रहा है, जो कि 500 के राउंड अबाउट ही इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। अब आप इस फ्री आरडीपी सर्वर के अंदर अपना कोई सा भी टास्क इजीली कर सकते हो। जैसे आपका काम कंप्लीट हो यहाँ से आप इसको बंद कर दें। अब मैं आपको बता देता हूँ आप इस फ्री आरडीपी सर्वर को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक आप चाहें इसको इजीली यूज कर सकते हो। जैसे ही आपका आरडीपी में काम कंप्लीट हो जाए आप सिंपल यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करो और आप आ जाओगे अपने रियल पीसी के अंदर। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद आपका ये जो पासवर्ड है वो अपडेट होगा, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना ही पड़ेगा। अगर आपको लिनक्स आरडीपी पसंद नहीं आ रही तो सिंपल आप हमारा चैनल ओपन करें और जाकर इससे पहले वाली वीडियो देख ले, ये वाली। ठीक है, इसमें मैंने आपको विंडो सर्वर क्रिएट करना सिखाया, उसमें आपको फुल एडमिन एक्सेस मिलती है और सारे वही वाले सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हो जो आप विंडो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप लोग आरडीपी को मोबाइल में यूज करना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख लो। इसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया था कि आपको जो मैं आरडीपी क्रिएट करना सिखाता हूँ उसको आप मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। और मजे की आपको बात बताऊं, ये फ्री आरडीपी कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल में यूज करने का मजा आता है, तो आप जाकर हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।